टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमें बहुत पसंद हैं, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, बेशक इन्होंने फिल्म में भी काम किया है, टीवी पे भी काम किया और हर दफा जब भी आते हैं अपने काम की वजह से अपना लोहा मनवाते हैं। बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि इनको बुला लें, लेकिन ये जी आ गए हैं हमारे, बिल्कुल आ गए, बिल्कुल और बहुत मजा आने वाला है। इनको हम थोड़ा सा तंग करेंगे, बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर हसन नियाज़ी। हेलो, वेलकम टू द मजेदार शो। सर थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने अभी जो इंट्रोडक्शन करवाया मजा आया मुझे। आया आपको मजा? बिल्कुल मजा, चले किसी को तो आया। जरूरी हमने सबका एक ही लिखा हुआ है, नाम बदल लेते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने इतना काम नहीं किया हुआ, बिल्कुल वो चेंज होता रहता है सबके साथ साथ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? मुझे अभी मैं सुन रहा था कोविड हुआ। हाँ जी बिल्कुल। ये कोई पार्ट ऑफ जोक था या वाकई? नहीं नहीं, एक्चुअली कैसा जोक है ये वाला? जोक बिल्कुल नहीं है। आई वेंट थ्रू इट और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, लोगों ने बड़ी दुआएं दी, वैक्सीनेशन हुई भी थी मेरी, हम तो इट वाज गुड, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग घरों पे भी सब लोग उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है हाँ, क्योंकि हम जो हालात देखने लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं है इस बात को। अच्छा मैंने तो ये देखा कि अगर एक्टर कोई पोस्ट करता है कि मुझे कोरोना हो गया तो अक्सर लोग ये कह रहे थे अभी इसको पैसे मिले ये इसलिए लिख रहा है। ये तासुर भी है और जो लोग वैक्सीनेशन का कह रहे हैं तो कह रहे हैं ये इन्होंने पैसे लिए होंगे। एक्चुअली पेट प्रमोशन इतनी ज्यादा हो रही है वो शायद लोगों ने कहा कोविड की भी शायद पेट प्रमोशन आ गई है, हो रही है शायद, चल रही है। अच्छा भाई काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त चल रहा है। अच्छा भाई कम काम करते हैं मैंने देखा है, बहुत ज्यादा काम नहीं करते, इसकी क्या वजूहत है? कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा काम करूँ, कुछ अपनी सब्सटेंस दे सकूँ, अगर नहीं मिल पा रहा होता तो फिर मैं रूटीन वर्क में उसको ऐसे करने की कोशिश करता हूँ कि ये मैंने किया है, ठीक है राइट। सो बीच में वाले साहब की डेथ की वजह से भी एक साल ऑफ रहा, शेड्यूल फिल्म की थी उसकी वजह से आई वाज बेड रिडन फॉर गुड वन ईयर ऑलमोस्ट, उसने बड़ा गैप दे दिया था स्क्रीन पे, बट सही है। अभी काम थोड़ा सा कोविड के साथ साथ रूटीन बना रहा हूँ। तो हसन भाई मेरा एक सवाल है, जब भी ये कोई कहता है कि भाई मैं कम काम करता हूँ, घर का चूल्हा कैसे चलता है फिर? मैं अकेला रहता हूँ ना तो वो चाय के लिए जितना चलाना होता है चल चाय पे काम चल रहा है, ठीक है ये भी सही, ये भी है। और एक मेरा जो सवाल है जो मैं आपको जब देखता हूँ मेरे अंदर गूंजता है, आप मोटे नहीं होते यार, आपका क्या मसला है? मैं आपको जब से देख रहा हूँ आप इतने ये, अच्छा ये जब आप आते नहीं हुआ था ना तब भी आदमी मुझसे पूछ रहे थे कि यार हसन भाई को मैंने जब से हम कब से जानते हैं, हसन भाई ऐसे ही है माशाल्लाह। मैंने कहा ये इनको नहीं पता, मैंने कहा एक जमाने में बाकायदा टॉप मॉडल रहे हैं। अच्छा वाकई? मैंने कहा जी। तो वो मॉडल निकल क्यों नहीं रहा अंदर से? आप बिल्कुल फिट कैसे? स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं, लोगों की प्रोफेशनल्स की अप्रोच चेंज हो गई है, फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा उसको सपोर्ट करता नहीं है कि आजकल का मैं मॉडल बनूं, एंड फिर ये है कि पुराना जाता है तो नया आता है, पुराना जाता है नया आता है वो वाली बात भी है। एंड मोटा इसलिए नहीं होता क्योंकि समहाउ रूटीन ऐसी है कि थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी खासतौर पर क्रिकेट जो है वो हमेशा से रही जिंदगी में, ठीक है चल जाता है काम चल जाता है। नहीं नहीं ये ऐसे काम चल रहा था बेड़ा घर को ऐसा ना करें।